गुड इवनिंग बच्चों, मैं संतोष श्रीवास्तव चौथे पार्ट के साथ यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के चौथे पार्ट के साथ आपके सामने। और जैसा कि आपको पता है, ये सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स और आगे जो कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए जा रहे हैं, ये सब आपके वर्ब के कॉन्सेप्ट पे दिए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की ये मांग थी, एक डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज आप प्रिपरेशन करा दीजिए। तो ये मैं वर्ब के कॉन्सेप्ट पे करा रहा हूं, इसके आगे चैप्टर्स आपके बढ़ते जाएंगे और उन सब पे जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो कॉमन एरर्स वगैरह हैं, वो सारे मैं आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे तैयार कराता जा रहा हूँ। आप बस घर पे बैठ करके इस लॉकडाउन में सुरक्षित रहें और अपनी प्रिपरेशन भी घर पे करते रहें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट यानी 36 to 45। इतने सारे क्वेश्चंस 35 तक ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, वो जरूर पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में आप तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं आप, ये मैंने आपको जो पहले आपको पढ़ाया वो मैंने जल्दी से आपको दे दिया, एक कर्सरी लुक के साथ देख लें। सारे वर्ड्स जरूर तैयार करिएगा, इनकी सेकेंड फॉर्म और इनकी थर्ड फॉर्म। शाइन याद कर लीजिएगा, पिछले पार्ट से मैंने दिया हुआ है। शाइन, श्लेट, स्ट्राइक, वेक, बियर, बिडो, फाउंड, शो, स्टिंग, स्विंग, विद होल्ड, बियर, फेल और ले। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट, ब्लीड, लाइट, नील, सीक, फॉरबिड, लूज, फोरकास्ट, लीड, स्पीड, डिसेज, अवेक, लाइट, जरूर तैयार करेगा, राइड, ठीक है। ये सारी वो वर्ब्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको पूछी जाती हैं, इनकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कैसे आपको यूज करना है वो जरूर तैयार करें। जल्दी से देख ले कोई वर्ड, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से एक पॉइंट कर ले आप। ठीक है, ये वर्ब्स हैं और ये मैंने आपको टेस्ट योर सेल्फ कह दिया। जो वर्ब कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उस वर्ब के कॉन्सेप्ट पर ये सारी 14 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। और जल्दी से आप देखें कि क्या इनमें से कोई ऐसा वाक्य है जो आप नहीं कर पा रहे, जिसको करने में आपके प्रॉब्लम है। जैसे आप एक करेक्शन करना सीखें, ये आगे कॉमन एरर्स में भी आपको मिलेंगे, लेकिन अभी ऐसे नॉर्मल वे में मैंने आपको दिया है कि दे डिड वेंट टू अटेंड द पार्टी, कर लेंगे ना? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप डिड वेंट को एक साथ यूज कर सकते हो? कभी नहीं, ग्रामर की ऐसी कोई पोजिशन ही नहीं है जहां डिड और वेंट एक साथ लेंगे आप। अगर आप डिड को इम्फेसाइज करने के लिए यूज भी करते हैं तो यहां पे आपको गो का प्रयोग करना होगा, और अगर इम्फेसाइज का प्रयोग नहीं करते हैं तो डिड आपको हटाना होगा, ठीक है। इम्फेसाइज का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आपके टीचर ने या मैंने जरूर आपको पढ़ाया होगा, वह जाता है, ही गोज, लेकिन वह जाता तो है, ही डज गो हो जाएगा। वे जाते हैं, दे गो, वे जाते तो हैं, दे डू गो हो जाएगा, हो जाएगा। वह जाता था, ही वेंट, वह जाता तो था तो ही डिड गो हो जाएगा। तो उस सेंस में आप डिड के साथ गो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर डिड हटाते हैं यहां पे आपको वेंट रखना होगा। दूसरा वाक्य है वी यूजुअली, याद रखिएगा जब भी यूजुअली, ऑलवेज, नेवर वगैरह दिया गया होता है तो आपको नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट यूज करना होता है। वी यूजुअली गोज, ध्यान से देखें ये वर्ब का कॉन्सेप्ट, क्या वी के साथ गोज हो सकता है? कभी नहीं, वी गो हो जाएगा। ही डज गोज, क्या यहां डज की कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, डज की आवश्यकता नहीं, गोज जिम्नासियम एवरीडे हो जाएगा। ही हैज बीइंग प्लेइंग, हैज के बाद वर्ब की जो फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सी होगी? वो थर्ड फॉर्म होगी, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या बीन होती है? नहीं ना, क्या होगी यहां पे? बीन ये होगा ना। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। ही हैज बीन ऑनेस्ट, देख ले ये वाक्य सही है या गलत। देखें
ये जो हैज है यहां ये यहां हेल्पिंग वर्ब और ये जो बीन है ये यहां मेन वर्ब है, हैज के बाद बी की थर्ड फॉर्म। क्योंकि मैंने कल कहा था कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब केवल हेल्पिंग वर्ब किसी वाक्य में हो ही नहीं सकते हैं, हर हाल में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लेनी है। अगर आप हैज बीन को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले रहे हैं तो ध्यान से देखें इसके बाद कहीं कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यहां पे एक एडजेक्टिव आपको दिया गया है, यानी यहां बीन ही क्या है आपकी मेन वर्ब है और हैज आपकी क्या है हेल्पिंग वर्ब है। यानी ही हैज बीन ऑनेस्ट, इसके हिंदी है वह ईमानदार रहा है, ही हैज बीन ऑनेस्ट, वह बीमार रहा है, ही हैज बीन इल, वह नेता रहा है, ही हैज बीन अ लीडर, ऐसे बना सकते हैं आप। ही डज हिज होमवर्क रेगुलरली, देखें जो मॉडरेट लेवल पे बच्चे हैं ये वाक्य सही है क्या, ही डज हिज होमवर्क सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, ये यहां मेन वर्ब के रूप में है, तो ही के साथ आपने सिंगुलर लिया जो फिफ्थ फॉर्म आपकी एस ई एस फॉर्म, तो ही डज हो गया जो यहां मेन वर्ब के रूप में न कि हेल्पिंग वर्ब। ही शुड कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स, ध्यान से देखिए बच्चों ऐसे वाक्य आपके एग्जाम्स में दे जाते हैं, देखें ये शुड है, शुड के बाद आपने कॉल्ड लिया है, कभी हो ही नहीं सकता है कि शुड के बाद कॉल्ड हो, लेकिन जल्दीबाजी ना करें आप, ठीक है। ये चीज भी देखें कि यहां बाय हिज पेरेंट्स है, यानी उसे उसके माता पिता के द्वारा बुलाया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस है ना, तो पैसिव वॉइस में कल के स्ट्रक्चर मैंने बताया था मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर जो बाय हिज पेरेंट्स है वो बता रहा है कि शुड के साथ कॉल्ड सीधा नहीं आएगा, शुड के बाद क्या लेना होगा आपको, क्या लेना होगा याद है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ही शुड बी कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स। अगर यहां पे बाय हिज पेरेंट्स नहीं होता कुछ और से होता, जिससे मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं, चलिए ये वाक्य देखें आप, जैसे मान लीजिए ऐसा वाक्य होता He should call Mohan, कभी नहीं हो सकता है, दो स्थितियां यहां पे, पहला कि आप अगर should लेना है आपको तो should के साथ verb की कौन सी form रखें, first form रखें, तब इसके हिंदी होगी He should call Mohan, उसे मोहन को बुलाना चाहिए, लेकिन एक और structure मैंने बताया था should have plus verb की third form, तब क्या हो जाएगा He should have called Mohan. तब क्या हो जाएगा हिंदी इसका? उसे मोहन को बुलाना चाहिए था। इस तरह से आप चाहे कि नहीं बना सकते हैं। एक मिनट। चलिए ये वाक्य है आपके, तो यहां हो जाएगा ही शुड बी कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाक्य देखें आप, ही वाज अपॉइंट द चेयरमैन। अब आप सोचें क्या किसी भी अवस्था में वास के बाद आप अपॉइंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अगर आप इसे एक्टिव वॉइस में रखते हैं तो ही वाज हटाए, ही चलिए वास भी अगर ले सकते हैं, ही वाज अपॉइंटिंग द चेयरमैन ये हो सकता है, या ही वाज हटा दे, ही अपॉइंटेड द चेयरमैन, लेकिन अगर आपको इसे पैसिव का सेंस देना है कि ही वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन, तो फिर आपको यह ध्यान रखना होगा कि वह एक चेयरमैन के रूप में उसका अपॉइंटमेंट किया गया पैसिव वॉइस में, तो जैसे पैसिव वॉइस आएगा प्रयास करें इस एम आर वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो अगर ही वॉज अपॉइंट ले रहे हैं, ये जो अपॉइंट है ये अपॉइंट के बजाय क्या हो जाएगा, ये अपॉइंटेड हो जाएगा, हो जाएगा ना। ही वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन, यानी वह चेयरमैन नियुक्त हुआ। याद होगा आपको शायद, कभी भी अगर कॉल का प्रयोग करें, थिंक का प्रयोग करें, ब्रूड का प्रयोग करें, कंसिडर का प्रयोग करें, अपॉइंट का प्रयोग करें, इलेक्ट का प्रयोग करें, सेलेक्ट का प्रयोग करें, फाइंड का प्रयोग करें, तो इनके साथ एस का प्रयोग नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप कहीं पे मेंशन का प्रयोग करते हैं, या फिर टर्म का प्रयोग करते हैं, या पोर्ट्रे का प्रयोग करते हैं, या मेंशन हो गया, डिस्क्राइब का प्रयोग करते हैं, इन सब के साथ आपको क्या लगाना होता है, एस का प्रयोग करना होता है। तो वर्ब जो आप पढ़ेंगे आगे उसमें और मिलेगा आपको। तो यहां पे हो जाएगा ही वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है, ही हैज हैड वेरी टफ टाइम रिसेंटली। रिसेंटली आपने अगर पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो आप याद होगा रिसेंटली एक ऐसा वर्ड होता है जो पास्ट इंडेफिनिट में भी और पास्ट और परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में भी आप यूज कर सकते हैं। तो रिसेंटली यहां पे है और यहां पे हैज है, और हैज के बाद आपके पास देखें क्या है, हैड है। हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ही हैज हैड और हैड वेरी टफ टाइम, यानी हैव वेरी टफ टाइम मीन्स होता है बहुत कठिन समय का सामना करना, ठीक है। तो ही हैज हैड वेरी टफ टाइम, यानी ये यहां पे क्या है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये हैड क्या है यहां पे आपकी मेन वर्ब है ना। तो ही हैज हैड वेरी टफ टाइम रिसेंटली, कोई एरर नहीं, वाक्य सही है आपका। ही हैज हैड हिज लंच, ये हैज यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, और ये हैव वंस लंच मींस होता है भोजन करना। तो हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो ये हैड यहां क्या है, मेन वर्ब। ही हैज हैड हिज लंच, उसने अपना लंच कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा ना, ये वाक्य भी क्या है आपका सही है। यू शुड नॉट सैड एट योर फेलियर, आप अपने से देखें और कोशिश करें क्या आप इस वाक्य को सही कर ले रहे, करेक्शन कर ले रहे। यू शुड नॉट सैड एट योर फेलियर, कोशिश करें बच्चों, देखें क्या हो सकता है, सही है कि नहीं, याद आ रहा है। अगर आपको मॉडल के साथ नाउन या एडजेक्टिव लेना है, फिर से, अगर आपको मॉडल के साथ नाउन या एडजेक्टिव लेना है तो आपको स्थिति अनुसार बी या हैव का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको पास रखने के सेंस में यूज करना है तो हैव का प्रयोग करें, और अगर आपको होने के सेंस में यूज करना है तो बी का यूज करें। तो यू शुड नॉट, और यहां एडजेक्टिव आ गया, मॉडल के पास सीधे एडजेक्टिव नहीं आ सकता है, हर हाल में आपको यहां पे होने के सेंस में क्या लेना होगा, बी लेना होगा यहां पे ना। यू शुड नॉट बी, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू शुड नॉट बी सैड, यानी आपको उदास नहीं होना चाहिए एट योर फेलियर, अपने असफलता पर, ठीक है। वैसे भी आपको अपनी असफलता पे कभी उदास ना हो, ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि आगे क्या होगा कैसे होगा, बट हमेशा याद रखें वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे, जहां चाह है वहां पर राह है। ईश्वर ने बहुत सारे आप जैसे बच्चों को उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो भी कमियां हो, विश्वास करें जो भी कमियां हो उन्हें क्या करते जाए, चैप्टर वाइज तैयार करते जाए। जैसे मैं ये सारे वीडियोस बनाता जा रहा हूं ताकि मैं आपको सीरीज में इनसे देता जाऊं ताकि आपको चैप्टर वाइज आपकी प्रिपरेशन, तो मेरे लिए भी मैं इस अवसर का कहीं के एडवांटेज ले रहा हूं, आप भी इस अवसर का एडवांटेज लें। घर पे वो बहुत बार आपके मन में आता रहा होगा इतना समय मिलता तो ये कर लेता, ईश्वर ने आपको दे दिया इतना समय, आप इसका लाभ ले लें, ठीक है। आई शुड इन्वाइटेड इन द पार्टी, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां शुड के बाद आप इन्वाइटेड ले सकें। अब दो चीज है, अगर आप इसको पैसे में लें कि मुझे पार्टी में इन्वाइट किया जाना चाहिए था, तो पैसे वैस में आप याद करें मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होना चाहिए था, आई शुड बी इन्वाइटेड, हुआ ना, आई शुड बी इन्वाइटेड इन द पार्टी। और अगर आप पास्ट में भी पास जाना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई शुड हैव बीन इन्वाइटेड इन द
पार्टी हो जाएगा, ठीक है। दे आर हैविंग देयर लंच नाउ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हैव का प्रयोग आईएनजी के सेंस में नहीं कर सकते, हमेशा कर सकते हैं। देखें कैसे। देखें ऐसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आई एम हैविंग माय लंच, मैं भोजन कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। आई एम हैविंग माई डिनर, मैं डिनर कर रहा हूं, सही है इस सेंस में आप, क्योंकि यहां हैव मेन वर्ब का कार्य करी बच्चों, ठीक है। तो इस दायमार वाज वर्ब के बाद वर्ब में क्या जोड़ते हैं, आई एन जी। जब भी भोजन करने के सेंस में, बैठने के सेंस में आप हैव का प्रयोग करते हैं, तो स्थिति अनुसार उसे आप हैव का प्रयोग आई एन जी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा दे आर हैविंग, है ना, दे आर हैविंग देयर लंच, वो अपना भोजन कर रहे हैं नाउ इस समय, ठीक है। यानी यहां पे वाक्य आपका सही। अगर यहीं पे टाइम दे दिया जाता कि वे 2 बजे लंच करते हैं, वो 4 बजे लंच करते हैं, तब क्या हो जाता, दे हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती दे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दे हैव देयर लंच एट 2 o'clock, तब आप यहां पे हैव का फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज कर। लास्ट वाक्य है, ही डिड नॉट हैड माय मोटरसाइकिल। कल मैंने बताया था डू डस डिड के साथ कभी भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है, ठीक है। यहां डिड है ना, ही डिड नॉट हैड गलत है, ही डिड नॉट हैव माय मोटरसाइकिल हो जाएगा, कभी भी डू नॉट डज नॉट डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये छोटा सा कर्सरी लिख था। अब हम जो हमारे 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स है जो जरूर जरूर करें, आप विश्वास करें अगर आप इस सीरीज में करते जाएंगे ये आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए देखो, ये है आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये पार्ट 4 आ गया, यानी 36 to 45 आ गया। और पहला क्वेश्चन आपका ये है, और ये जो मैंने पढ़ाया है उसी से मिलते जुलते चीजों पर, ये वर्ब के कॉन्सेप्ट पे, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब्स के कॉन्सेप्ट पे दिया गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायरिंग दिस कंसल्टेंट, कंसल्ट में समझते होंगे सलाह देना, कंसल्टेंट सलाहकार। तो द मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है उद्देश्य, लक्ष्य है आपका, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायरिंग दिस कंसल्टेंट, यानी इस कंसल्टेंट को हायर करने का, अनुबंधित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी इस कंसल्टेंट को हायर करने का जो मुख्य उद्देश्य है, इज वो है क्या है, इन असेसिंग दैट दिस डेटा कैन बी कंप्यूटराइज्ड, वो ये है इन असेसिंग, यानी ये असेस करना है, आकलन करना है दैट कि दिस डेटा कैन बी कंप्यूटराइज्ड, कैन बी कंप्यूटराइज्ड सही है, ये डेटा कंप्यूटराइज्ड किया जा सके, यही उद्देश्य है इस कंसल्टेंट को क्या करने का, हायर करने का, ठीक है। अब चारों ऑप्शंस आप देखें अपने से और बताएं कौन सा सही होगा, यहां पे असेसिंग दैट होगा, या एन असेसमेंट ऑफ होगा, या टू असेस हाउ होगा, या नो इंप्रूवमेंट होगा। देखिए जब भी आप किसी उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं, कहीं जाते हैं कोई कार्य करते हैं, तो हमेशा इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे आपको कहना हो मैं कानपुर गया, किस लिए गया, अपने अंकल से मिलने, तो आप ऐसे करें आई वेंट टू कानपुर टू मीट माय अंकल, मैंने उससे बुलाया किस लिए, बात करने के लिए, तो आई कॉल्ड हिम टू टॉक, ठीक है। यानी जब भी ऐसा हो तो यहां देखें क्या है, यहां उद्देश्य है ना किसी कार्य को करने का, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायरिंग दिस कंसल्टेंट, इस कंसल्टेंट को हायर करने का जो मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य है, यानी आगे आपको क्या चाहिए, आपको एक इन्फिनिटिव चाहिए, तो इन्फिनिटिव इसके बाद आएगा,
देखें कहां इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव वो क्या है आपका, यही ना, टू असेस दैट, टू असेस हाउ आ गया, देखें कैसे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायरिंग दिस कंसल्टेंट, इस कंसल्टेंट को हायर करने जो मुख्य उद्देश्य है इज टू असेस, वो ये आकलन करना है कि हाउ दिस डेटा कैन बी कंप्यूटराइज्ड, कि किस तरीके इस डेटा को कंप्यूटराइज किया जा सकता है, ठीक है। यहां पे आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो टू होगा। अगर आपके मन में आ रहा हो सर ये क्यों गलत है, क्योंकि मैंने कहा यहां उद्देश्य दिखाया जा रहा है किसी कार्य को करने का, जब भी किसी कार्य को करने का उद्देश्य दिखाया जाए तो वहां इन्फिनेटिव ले, जैसे मैं बाजार गया किताबें खरीदने के लिए, तो आई वेंट टू मार्केट टू बाई बुक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न आ गया, सीता हैज वेल अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट हर एक्शंस वुड हैव टेरिबल रिपरकशंस, रिपरकशंस मींस परिणाम होते हैं, ठीक है। तो सीता हैज वेल अवेयरनेस, यानी सीता जो है उसके पास है जागरूकता, यानी सीता के पास अच्छी जागरूकता है ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य की दैट की हर एक्शंस कि उसके जो कार्य है वुड हैव टेरिबल रिपरकशंस, उसे क्या हो सकते हैं कहीं कहीं घातक परिणाम यानी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अब आपके पास है सीता के पास जागरूकता है, ये ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे अवेयरनेस कोई चीज है और उसने ले रखा हो, ऐसा तो है नहीं। तो ये आपको कहीं कहीं मन में बनाना होगा कि ये स्ट्रक्चर गलत है, सीता हैज अवेयरनेस, आप सोच के देखें आप ये स्ट्रक्चर यूज करना चाहेंगे, ही इज ऑनेस्ट, ये स्ट्रक्चर यूज करना चाहेंगे या आप ये स्ट्रक्चर यूज करना चाहेंगे, देखें ही हैज ऑनेस्टी, क्या लेंगे, ही इज ऑनेस्ट लेंगे या ही हैज ऑनेस्टी लेंगे, ही इज ऑनेस्ट बेहतर है। तो वैसे ही सीता हैज वेल अवेयरनेस, ये स्ट्रक्चर कुछ और है ना, सारी ऑप्शंस देखें, सीता वाज वेल अवेयर ऑफ हो सकता है, सीता हैज अवेयर, मैंने कल कहा था हैज हैव हैड के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आ सकता है, हैज हैव हैड के बाद हमेशा नाउन आता है, तो अवेयर यहां पे कभी भी एडजेक्टिव या वर्ब के रूप में आप यूज नहीं कर सकते कि अवेयर यहां पे क्या है गलत, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर सीता इज अवेयर टू, आप जानते हैं अवेयर के साथ टू नहीं लगता है, अवेयर के साथ ऑफ लगता है, तो ये स्ट्रक्चर भी गलत है, ये स्ट्रक्चर भी गलत, ये स्ट्रक्चर भी गलत, और ये ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर के रूप में गलत है, इसलिए आपका बेहतर ये है वाज भी देखे और यहां देखे ये भी वुड है ना पास्ट का। तो सीता वाज वेल अवेयरा, मैंने कल कहा था इज एम आर वाज वर के बाद आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, तो सीता वाज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, यानी यहां पे ऑलरेडी ऑफ है सर, ऑफ नहीं होना चाहिए था, सीता वाज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, सीता उस तथ्य से भली भांति परिचित थे दैट की हर एक्शंस वुड हैव टेरिबल रिपरकशंस, कि उसके जो कार्य हैं उसके जो एक्शंस हैं उनके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहां पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। जो बच्चे पहली बार ज्वाइन किए हो वो बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और जो बच्चे समझ रहे हो जिन्हें लग रहा हो कि चेंज धीरे धीरे काम आएंगे आगे एग्जाम्स में, वो लाइक कमेंट और शेयर करते जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, ही इज टू अडामेंट टू बी इफेक्टिवली इन हिज वर्क। देखिए बच्चों धीरे धीरे अगर आप ये कहते हैं ना परजवर करना मीन सतत प्रयास करना, अगर रेगुलरली आप ये चेंज करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो एक स्ट्रक्चर होता है वाक्यों का वो पता चलता जाएगा। तो जैसे स्ट्रक्चर आपको पता चलता जाएगा ना तो एग्जाम में आपका समय बच जाएगा। जैसे ही आपने टू बी देखा है ना टू बी, वैसे कभी भी आपका कोई कार्य एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में नहीं आ सकता। मैंने पार्ट 3 में भी बताया था
कि टू बी के बाद आपको एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं एडजेक्टिव यूज करना होता है. तो ही इज टू अडामेंट. अडामेंट याद है सख्त कठोर किसी चीज पे अडिग. तो ही इज टू अडामेंट यानी वो कुछ ज्यादा ही सख्त है टू बी इफेक्टिवली. ये टू बी के बाद ये जो इफेक्टिवली है ये गलत है. टू बी के बाद एडजेक्टिव आएगा. तो अब देखें क्या है टू बीकम इफेक्टिवली. ये भी तो नहीं होगा यहां भी एडवर्ब ऑफ मैनर है. टू बी इफेक्टिव है ना. देखिए टू बी प्लस एडजेक्टिव. टू हैव बीन इफेक्टिवली यहां भी देखिए क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है. यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ही इज टू अडामेंट टू बी इफेक्टिव इन हिज वर्क. यानी जैसे टू बी आपने देखा तुरंत याद कर लें एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं चाहिए एडजेक्टिव चाहिए. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. चौथा प्रश्न आ गया. वी हैव रिलायबली इन्फॉर्म दैट द न्यू ब्रांच विल नॉट ओपन टिल नेक्स्ट ईयर. यानी हमारे पास एक विश्वसनीय सूचना है कि जो नई ब्रांच है वो अगले साल तक ओपन नहीं हो. ये मैंने कहा ये वर्ब के कॉन्सेप्ट पे है पूरा. तो जैसे आपने हैव देखा ये हैव देखा आपने ना तो हैव के बाद तुरंत समझ लें कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एडजेक्टिव नहीं ले सकते हैं कभी आप. आपको जब भी लेना होगा क्या लेना होगा आपको हैव के साथ नाउन. तो रिलायबली इनफॉर्म गलत है यहीं पे. अब हम आगे बढ़ते हैं. यानी इनफॉर्म का हमको नाउन चाहिए और नाउन चाहिए तो नाउन के पहले हमको कोई एडवर्ब नहीं चाहिए हमको एक एडजेक्टिव चाहिए. तो विश्वसनीय की मीनिंग रिलायबली नहीं होता है रिलायबल होता है ना. तो आपके पास नाउन फ्रेज आपको चाहिए. देखें अब यहां पे है रिलायबली टू इनफॉर्म होगा नहीं. हैव के बाद वी हैव रिलायबली टू इनफॉर्म कभी नहीं होगा. मैंने कहा हैव के बाद नाउन चाहिए आपको. वी हैव इनफॉर्मड रिलायबिलिटी ये क्या इनफॉर्मड रिलायबिलिटी स्ट्रक्चर ही यहां कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं है. वी हैव रिलायबल इंफॉर्मेशन सही ना. जो भी बच्चे थोड़े से अगर आपने मेहनत किया होगा तो आप समझ जाएंगे हमारे पास है. यहां मेन वर्ब के रूप में है ना. मैंने कहा जब हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो उसकी हिंदी आप जानते हैं चुका है चुकी है चुके हैं या है ई है ये सब होता है. लेकिन वही हैव हैज हैड जब आपकी मेन वर्ब के रूप में आते हैं तो उनकी हिंदी पास होना हो जाता है. तो वी हैव हमारे पास है क्या है एक विश्वस्त सूचना विश्वसनीय सूचना. तो रिलायबल इंफॉर्मेशन है यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा. ये चीज चलिए पांचवें प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं. स्टार्टिंग अ कंपनी इन इंडिया यानी भारत में एक कंपनी की शुरुआत करना एक कंपनी चलाना हैज अ डिफिकल्टी. अब अगर आप सोचे तो आपके पास क्या यहां पास होने का मतलब है ना है इसके बाद सीधे नाउन आ गया यानी यहां एक मेन वर्ब है यानी इसका मतलब यहां पे पास होना. तो भारत में कंपनी चलाना कंपनी चलाने के पास है एक समस्या ये कहना चाह रहे हैं आप या भारत में कंपनी चलाना कठिन है ये कहना चाह रहे होंगे आप ना. तो अगर भारत में कंपनी चलाना कठिन है तो कठिन है के लिए क्या लेंगे आप Has the difficulty. यहां भी देखिए मेन वर्ब के साथ ना हो तो पास होने वाला सेंस है इसलिए गलत. Is been difficult. Is के साथ been कैसे आ जाएगा फिर आपको एडजेक्टिव की क्या जरूरत है कोई आवश्यकता नहीं. Is difficult. देखिए टू बी वाला फॉर्म है फिर एडजेक्टिव है आपका है ना यानी कठिन है. जब भी is amr buzzword आपके मेन वर्ब के रूप में होते हैं तो उनके हिंदी है हो था थी थे हो जाते ये होता है ना. तो हो जाएगा स्टार्टिंग अ कंपनी इन इंडिया इज डिफिकल्ट हो जाएगा इज डिफिकल्ट. भारत में कंपनी चलाना क्या है कठिन है बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण. मैंने बोला था बिकॉज ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू टू और ओविंग टू इन सब के मीन्स क्या होता है के कारण. तो भारत में कंपनी चलाना कठिन है बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ कंपटीशन क्योंकि यहां बहुत ज्यादा क्या है कंपटीशन जैसे बहुत सारे हर क्षेत्र में कंपटीशन है. आप भी कंपटीशन दे रहे हैं तो टीचर्स का भी कंपटीशन होता है हर क्षेत्र में कंपटीशन एक प्रतिस्पर्धा है ना.
वो भी प्रतिस्पर्धा थ्रोट कट होते, मींस गला काट प्रतिस्पर्धा होती, मींस बहुत कठिन होते हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। छठवें प्रश्न पे आ गए, वन ऑफ माय ड्रॉबैक्स, सही देखिए ड्रॉबैक्स के साथ वन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, वन ऑफ माय ड्रॉबैक्स, लेकिन देखें नाउन अरे वर्ब क्या है आपकी सिंगुलर, पहले या दूसरे पार्ट में बोला था मैंने कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और उसकी अगर वन की आपको वर्ब चाहिए तो सिंगुलर हो जाए। तो वन ऑफ माय ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स मींस कमी, तो वन ऑफ माय ड्रॉबैक्स इज, यानी मेरी कमियों में से एक कमी है क्या, दैट थी आई डू नो हैव, आई डू नो हैव टू टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी मींस दोहरापन, समझते होंगे, यानी मैं दोहरीपन को टॉलरेट नहीं कर पाता हूं, ये मेरा सेंस है। तो ये डू नो हैव का कभी स्ट्रक्चर नहीं होता है, आप जानते हैं किस चीज का स्ट्रक्चर होता है, डू नॉट हैव का। और सबसे बड़ी चीज है यहां पे नाउन दिया गया है, अगर नाउन है तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टू, क्योंकि हैव के बाद क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, हैव टॉलरेंस मींस सहनशीलता होना, यानी वन ऑफ माय ड्रॉबैक्स इज, मेरी एक जो कमी है वो क्या है, दैट आई डू नॉट होना चाहिए, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, है ना, मेरे पास सहनशीलता नहीं, किसके लिए, ऑफ एम्बिग्युइटी, दोहरेपन की। तो हो जाएगा आपका, यही देखिए है आपका आई डू नॉट हैव, आई कैन नॉट हैव, यहां मतलब नहीं है, यहां उसके सेंस में आई कैन नॉट हैव से बेहतर आई डू नॉट हैव, क्योंकि आई डू नो हैव यहां दिया गया था, तो ए ऑप्शन आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आई एम नॉट नहीं होगा क्योंकि एम के साथ कभी टॉलरेंस नहीं आती, आप ये नहीं कहेंगे आई एम नॉट टॉलरेंस, ये तो कभी हो नहीं सकता है, तो आई डू नॉट हैव टॉलरेंस हो जाएगा। चलिए बच्चों, और अब ये आपके सामने सातवां प्रश्न आ गया, देख लें, ओवर 50% ऑफ पीपल, यानी करीब 50%, यानी 50% से ज्यादा लोग इन द कंट्री, इस देश में, इस देश में 50% से ज्यादा लोग नॉट हैव एनी एक्सेस। अब आप यहां कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं ले रहे हैं, अब आप यहां देख रहे हैं एनी एक्सेस है ना, ये आपके नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है, ये हैव क्या है यहां पे आपकी मेन वर्ब है, जब ये मेन वर्ब है, जब हैव का आप मेन वर्ब बनाए तो वो मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आना चाहिए, डू नॉट, डस नॉट, डिड नॉट के रूप में, ठीक है। आप इन्हें कहें आई हैव नॉट बुक्स, इससे बेहतर है I do not have books. I had no books. से बेहतर है I did not have books. तो over 50% of people in the country not have, गलत है यहां पे, do not have, did not have, does not have होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां पे 50% of people है तो plural ही आएगा, ठीक है। अब plural देखते हैं, have not any access. तो अब आप यहां ले Over 50% of people in the country have not any. तो have not मैंने कहा ना यूज करें, do not have का स्ट्रक्चर यूज करें, यहां देख ले do not have, यानी बी ऑप्शन आपका बेस्ट है। does क्यों नहीं होगा, क्योंकि people के साथ आप does का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये मैटर को ही फिनिश करते हैं। और ये मैटर में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा जो मैं अभी कुछ देर पहले कहा, चलिए मैं ओरली आपको समझा। आप कह रहे हो मेरे पास किताबें हैं, आप बिल्कुल कहिए आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें थी, आप बिल्कुल कहिए आई हैड बुक्स, उसके पास किताबें हैं ही हैज बुक्स। अगर आपको कहना हो उसके पास किताबें नहीं है, ये ना कहे बच्चों ही हैज नॉट बुक्स या ही हैज नो बुक्स, इससे बेहतर है ही डज नॉट हैव बुक्स, ठीक है, डज नॉट हैव, मेरे पास किताबें नहीं है आई डू नॉट हैव अ बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं थी आई डिड नॉट हैव अ बुक्स, ठीक है। इसका आप एनी का भी चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, आई डिड नॉट हैव एनी बुक्स, ही डज नॉट हैव एनी बुक, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहां ये हैव नॉट एनी के स्ट्रक्चर से बेहतर है डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। अब इसके हिंदी देख ले रहे हैं, ओवर 50% ऑफ पीपल इन द कंट्री, इस देश में 50% से अधिक लोगों के पास डू नॉट हैव एनी एक्सेस, पहुंच नहीं है उनके पास
टू बैंकिंग सर्विसेज, किनकी? बैंकिंग सर्विसेज तक। अभी तो मोदी जी की सरकार में यह है कि बहुत सारे लोगों ने जनधन के खाते खुलवाए, तो बहुत सारे लोगों के पास अपने अपने खाते हैं, कि पहले की बात जो एग्जाम्स में आए हुए इसलिए हम कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने है, आई हैव नेवर बीइंग। मत आगे बढ़िए बच्चों, आप एक तुरंत समझ जाइए कि आपके अंदर एक सिक्स सेंस होना चाहिए समझने का, कि हैव के बाद नेवर आया और नेवर के बाद बीइंग आया। कभी भी ऐसी कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती है कि हैव, हैज, हैड के बाद आप थर्ड फॉर्म के अलावा, यानी पास्ट पार्टिसिपल के अलावा कभी कोई और फॉर्म यूज कर ले। तो पहले तुरंत समझ जाए गलत है। अब हम क्या देखें, आई हैव नॉट बीइंग फॉर, ये ऑलरेडी यहीं पे गलत हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। आई हैव नेवर बीन हो सकता है, आई हैड नेवर बीन यहां भी गलत हो गया। क्लियर है ना? यानी आपका आंसर आई हैव नेवर बीन टू एनी म्यूजियम। मैंने कल पढ़ाया था आपको वर्ड के कॉन्सेप्ट में, कभी भी अगर हैज, हैव, हैड प्लस बीन हो, प्लस टू हो इसके बाद, और फिर इसके बाद कोई प्लेस हो, तो उसका मतलब वहां पर जाया हुआ होना, देखा होना। तो आई हैव नेवर बीन टू एनी म्यूजियम, मैंने कभी भी किसी म्यूजियम को देखा नहीं है। ये जैसे आप कहना हो मैं मुंबई नहीं गया हूं, तो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। मैं अमेरिका नहीं गया हूं, आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, ऐसे। ठीक है, चलिए कुछ एक क्वेश्चन और है देख ले, और ये नवा प्रश्न हमारे सामने है, नाइन्थ क्वेश्चन। इट इज नेसेसरली, मत पढ़े बच्चों, फिर मैं कहूंगा आप धीरे धीरे आदत डालिए इन सबके। जैसे इज एम आर, इज एम आर वाज वर्ब के बाद आपने कोई एडवर्ब ऑफ मैनर देखा, नेसेसरली, रैपिडली, ब्यूटीफुली, सैडली, बैडली, ग्लैडली, ये तुरंत समझ जाए ये इस एम आर वाज वर्ब के बाद कभी नहीं आ सकते। इसके बाद क्या आना चाहिए आपके पास? एडजेक्टिव, है ना? और अगर कौन का प्रश्न है तो नाउन, ठीक है, ही इज राम, वह है, कौन है? राम है, ये नाउन हो गया। नहीं, ही इज ऑनेस्ट, वो है, कैसा है? ऑनेस्ट, तो एडजेक्टिव। ठीक है, तो इट इज नेसेसरली टू इन्वेस्ट, ये टू इन्वेस्ट तो सही आपका है ना, इन्वेस्ट करना, इन स्टॉक्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है, विच विल प्रोवाइड गुड इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, जो आपको रिटायरमेंट के दौरान आपको अच्छी इनकम देगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इट इज के बाद हमको एडजेक्टिव चाहिए। अगर आपको याद हो नेसेसिटी नाउन है, नेसेसरी एडजेक्टिव है, और नेसेसरली क्या है आपका? एडजेक्टिव, वो है, एडवर्ब है, और नेसेसिटेट वर्ब होती है। ठीक है, तो अब हम खोजते हैं नेसेसरली, यहां भी है ना गलत, नेसेसिटी टू इन्वेस्ट। अब आप ऐसे कहेंगे इट इज नेसेसिटी, ये आवश्यकता है इन्वेस्ट करने की, या आवश्यक है इन्वेस्ट करना? आवश्यकता नेसेसिटी, आवश्यक नेसेसरी, आवश्यकता रूप से, आवश्यक रूप से नेसेसरली, और आवश्यक बनाना नेसेसिटेट। ठीक है, तो इट इज नेसेसरली नहीं होगा, नेसेसिटी भी नहीं होना चाहिए, तो स्पष्ट क्या हो जाएगा? इट इज नेसेसरी, यानी यह आवश्यक है टू इन्वेस्ट, कि हम क्या करें? इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैज बीन हैविंग अ टफ टाइम सिंस हिज चाइल्डहुड। आप बताएं ये वाक्य सही है या गलत, देखिए जल्दी से बताएं सोच के। आया समझ में? He has been having, ये has been के बाद having है। मैंने कहा था जब आप किसी चीज को ing के फॉर्म में have का प्रयोग करें तो फिर वो सही माना जाता है उस सेंस में। तो has been यहां क्या हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है? ये आपकी helping verb हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी आपकी? ये आपकी helping verb हो जाएगी। और अगर ये आपकी helping verb हो जाएगी, ये main verb हो जाएगी। और अगर ये मेन वर्ब हैज बीन के साथ आ रही है और यहां सिंस ही चाइल्डहुड है, इसका मतलब कि ये क्या है आपका?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज बीन के साथ वर्ब में क्या आया, मेन वर्ब के रूप में आईएनजी आया, तो ही हैज बीन हैविंग अ टफ टाइम। हैव अ टफ टाइम मींस होता है कठिन समय का सामना करना, तो हैव यहां मेन वर्ब हो गई, जब मेन वर्ब हो गई तो हैज बीन के बाद क्या आ जाएगा आईएनजी, यानी इस वाक्य में आपकी कोई एरर नहीं है। ही हैज बीन हैविंग अ टफ टाइम सिंस अ चाइल्डहुड, यानी आपको has been कभी हो नहीं सकता है, has been have कभी हो नहीं सकता है, has के साथ कभी be आ नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वाक्य आपका क्या है सही है। ठीक है, ये सारे 10 आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट हैं, ये चौथा पार्ट मैंने कंप्लीट किया है, और इसी तरह मैं और भी आगे आपको 500 के आसपास आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर्स का जो वर्ब के कॉन्सेप्ट पे और अलग अलग चैप्टर्स पे होंगे वो मैं देता चाहूंगा। ठीक है, आप अपने घर पे रहें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, दूरी बना के रखें, ताकि आप इस प्रकार के किसी भी प्रकार से अपने आप को क्या रख सकें, सेफ रख सकें। ओके, थैंक यू।